दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सामुद्रिक शास्त्र शरीर के विभिन्न अंगों के फलादेश करता है, उसी प्रकार से आज नाभि के बारे में सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जानेंगे कि नाभि हमारे शरीर का एक बहुत ही अभिन्न अंग है और नाभि के द्वारा बहुत सारे जीवन के रहस्यों को जाना जा सकता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नाभि हमारी जीवन ऊर्जा का केंद्र है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी प्राण नाभि में 6 मिनट तक रहते हैं। शरीर में दिमाग से भी महत्वपूर्ण स्थान है नाभि का। नाभि शरीर का प्रथम दिमाग होता है जो कि प्राण वायु से संचालित होता है। दोस्तों, व्यक्ति के नाभि की बनावट और उनकी कुछ विशेष बातों को आधार पर भविष्य और व्यक्तित्व के बारे में बताया जा सकता है। आइए जानते हैं नाभि के प्रकार और उनसे मिलने वाले शुभ अशुभ फलों को। दोस्तों, जिन स्त्री या पुरुष की नाभि गहरी होती है वे सौंदर्य प्रेमी होते हैं, बहुत ही रोमांटिक मिजाज के होते हैं, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति होते हैं। इन्हें जीवन साथी बहुत सुंदर मिलता है जो कि इनकी पग पग पर हमेशा सहायता करता है। जिन महिलाओं या पुरुषों की नाभि लंबी और वक्री होती है यानी कि टेढ़ी, वे आत्मविश्वास से भरे हुए लोग होते हैं और आत्मनिर्भर रहने वाले होते हैं। जिनकी नाभि दोस्तों गोल होती है वे आशावादी, बुद्धिमान और बहुत ही दयालु प्रकृति के आदमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति का विवाह यानी कि वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय गुजरता है और आनंद से रहने वाले होते हैं। मित्रों, उथली उभरी हुई नाभि वाले लोग कमज़ोर होते हैं शरीर के रूप से और नकारात्मक प्रभाव ऐसे व्यक्तियों के ऊपर विशेष रूप से होते हैं। ऐसे लोग अक्सर काम को अधूरा छोड़ देते हैं जिसके कारण उन्हें कामयाबी नहीं मिलती और वह अपने स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। जिन लोगों की नाभि ऊपर की ओर बड़ी और गहरी दिखाई देती है तो ऐसे लोग हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, हमेशा हंसने वाले, प्रसन्न मुख रहने वाले और मिलनसार स्वभाव के होते हैं। उभरी हुई और बड़ी हुई नाभि है तो ऐसे लोग जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। अंडाकार नाभि वाले लोग सोचने में अपना समय गंवाकर हाथ आया मौका छोड़ देते हैं। चौड़ी नाभि वाले लोग शक करने वाले होते हैं, छोटी छोटी बात पर अपने पार्टनर के प्रति या लोगों के प्रति शक करने वाले होते हैं और अंतर्मुखी होते हैं। जिन लोगों की नाभि ऊपर से नीचे आती हुई दो भागों में बटी हुई दिखाई दे तो ऐसे लोग आर्थिक और पारिवारिक और सेहत की दृष्टि से काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, जिन व्यक्तियों की नाभि उभरी हुई होती है वह बहुत भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी रोना धोना या भावुक हो जाना, परेशान हो जाना इनका स्वभाव होता है। ऐसे लोगों का हृदय साफ और स्वच्छ होता है और यह दिखने में भी काफ़ी आकर्षक और अट्रैक्टिव होते हैं। इस तरह की नाभि वाले लोग अक्सर केंद्र में रहना पसंद करते हैं और हमेशा वही पाने की कोशिश करते हैं जो वह चाहते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर तक के लिए साथी बनते हैं और हमेशा साथ रहने वाले होते हैं। दोस्तों, नाभि आमतौर पर शरीर के केंद्रों में यानी मध्य में होती है, लेकिन कुछ लोगों की नाभि केंद्र से कुछ हटकर होती है। इस तरह के व्यक्ति काफ़ी रोमांटिक और मजाकिया होते हैं, लेकिन वे संवेदनशील भी होते हैं और चीज़ों को गंभीरता से भी लेते हैं। ऐसे लोग यह व्यक्ति चीज़ों से जल्दी उब जाते हैं और फिर कुछ नया करने के लिए, नया पाने के लिए सोचते हैं। दोस्तों, जिन व्यक्ति की नाभि का आकार छोटा और लंबा
यानी कि लंबवत हो तो ऐसे लोगों का हृदय काफ़ी बड़ा होता है, वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। हालांकि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा दुख किसी के साथ भी साझा नहीं करते, वे हमेशा अपने दिल में रखते हैं इन बातों को। दोस्तों, लंबी और वक्री यानी कि टेढ़ी नाभि, जिन लोगों की नाभि लंबी और वक्री होती है उनमें आत्मविश्वास पूरा होता है। ऐसे लोग जो भी काम करते हैं उनको दिल से पूरा करते हैं, ये हमेशा नौकरी या बिजनेस करते हैं। इन लोगों से दोस्ती और जान पहचान बढ़ाना अच्छा लगता है। हालांकि ऐसे लोग दूसरों पर बहुत कम विश्वास करने वाले होते हैं, साथ ही अपनी भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण रखने वाले होते हैं। दोस्तों, नीचे की ओर झुकी हुई नाभि, जिनकी नाभि नीचे की ओर झुकी हुई हो तो ऐसे व्यक्ति में काफ़ी ऊर्जा की कमी मालूम होती है। वे काम को लेकर ज़्यादा उत्साहित नहीं होते हैं, लेकिन जो भी काम करते हैं वह उसे पूरा और बेहतर करके देते हैं। ये आलसी तो होते हैं लेकिन बहुत तेज़ दिमाग वाले होते हैं, इसी के चलते इनका जीवन बेहतर और बेहतर बनता रहता है। मित्रों, दोनों ओर चौड़ाई में फैली हुई नाभि, पेट के दोनों ओर चौड़ाई में फैली हुई नाभि, ऐसी नाभि होने पर तो ऐसे व्यक्ति आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। ये हमेशा आने वाली समस्या को लेकर के सतर्क रहते हैं और समय पर उसको ख़त्म भी कर देते हैं। ऐसे लोग पुलिस, वकील या फिर प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। ये लोग उन लोगों के बारे में बहुत प्रभाव करते हैं जो उनके करीब होते हैं। दोस्तों, सामुद्र शास्त्र के अनुसार नाभि, जिन स्त्री पुरुषों की नाभि गोल और गहरी होती है, वह गुणवान होते हैं। आमतौर पर इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। उनके हृदय में दया की भावना हमेशा रहती है और अपनी दयालुता से कृपा प्राप्ति करते रहते हैं। इसीलिए यह यहाँ भी और जिस परिवार में, जिस कार्यक्षेत्र में भी हो, वहाँ हमेशा सम्मान पाते रहते हैं। उनका जो वैवाहिक जीवन, वो भी आमतौर पर सुखमय बना रहता है। ऊपर को उठी हुई नाभि अक्सर सौंदर्य प्रेमता को दर्शाते हैं। ऐसे लोगों को भाग्य के बल पर अचानक सफलताएं या फिर धन प्राप्ति बार बार होती रहती है। इन्हें साथी या सहयोगी हमेशा बहुत अच्छे स्तर के प्राप्त होते रहते हैं। दोस्तों, नाभि अत्यधिक यदि गहरी हो तो वह व्यक्ति को भावुक तो बनाते ही हैं, लेकिन ऐसे लोग, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातों को करने वाले, बहुत मीठी बातों को करने वाले होते हैं और उनका हृदय दूसरों के प्रति किसी लोलुपता के आकर्षण में रहता है और बात विचार पर बार बार चिंता करने वाले और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी प्रभावित इनको करती रहती हैं। दोस्तों, समतल बिल्कुल न गहरी और न उभरी हुई ऐसी नाभियाँ जिनकी भी हो, स्त्री पुरुष अथवा, तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा संभल कर ही रहना चाहिए। कारण यह है कि ऐसे स्त्री पुरुषों को के मिजाज का कोई भरोसा नहीं होता है। यह कभी भी किसी भी बात पर गलत या मतलब निकाल करके आपको या स्वयं को कष्ट पहुंचा सकते हैं। उनमें एक बड़ी कमी होती है कि किसी में गुण कम और कभी खामियां ज़्यादा दिखी जाती हैं। इसलिए आमतौर पर उनसे मित्रता लंबे समय तक रखना अच्छा नहीं माना जाता। आमतौर पर नाभियां जो है वो गहरी होती हैं और गहरी नाभियां ही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ फल देती हैं। यदि नाभि बिल्कुल न झुकी हुई हो, न लंबी हो, न टेढ़ी हो और बिल्कुल लंबे आकार में और अंदर की तरफ हो, गोल गहरी, बिल्कुल न चौड़ी ना ही ज़्यादा उठी हुई, ऐसी नाभियां हमेशा अच्छी रहती हैं। ये नाभियां दर्शाती हैं कि ऐसे व्यक्ति ऊर्जावान होते हैं, उत्साह में
प्रथम स्थान पर होते हैं, अपने कार्यों को पूर्ण करने वाले होते हैं और स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होते हैं। इनको कभी कभार ही बीमारियां या अस्वस्थता दिखाई देती है, अथवा ऐसे व्यक्ति जो हैं हमेशा स्वस्थ और मस्त रहने वाले होते हैं। दोस्तों, और भी प्रकार है नाभियों के। अगले वीडियोस में हम आपको पूरी तरीके से और भी प्रकार नाभियों के और उनसे जुड़े जो भी फल हैं वो आपको हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे।